हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और जैसे कि मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी किया था, तो ये देखिए बड़ौदा की हालत। खैर अभी तो कम हो गया, वरना अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चली थी, धूल उड़ रही थी। आप देख सकते हैं अभी भी क्लाउडी है वेदर, जबकि ये कोई सीज़न है नहीं बारिश का। फिर भी अभी हवा देखिए, हवा भी बहुत तेज़ है, ये भी काफ़ी तेज़ है। दो दिन की वार्निंग जारी की है गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने। और ऐसा भी है कि बड़ौदा में अभी दो दिन के लिए वैक्सीनेशन जो ड्यू था, जिनका स्केड्यूल था 17 और 18 का, उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। 17, 18 या 18, 19, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। तूफान की जो वार्निंग है, इसी को सबको ध्यान में रखते हुए तो अभी ये ठीक होना चाहिए वापस। अच्छा, एक बात तो आप सभी मानेंगे ना कि हम सभी अपने दिन का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। अगर हमारे पास सही टूल नहीं है ना, तो कभी कभी सारी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं, मूड भी ख़राब हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे अपने आजमाए हुए कुछ ऐसे छोटे या बड़े गैजेट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स या बर्तन वगैरह जो आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी वो हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए और मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी ये सभी हों, सो दैट आपको किचन में थोड़ा सा ईज हो जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारी ही चीज़ें मैंने अमेजोन से ली हैं, कुछ लेटली, कुछ काफ़ी समय पहले। चलिए मैं फटाफट से पहले आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देती हूँ। एंड यस, उससे पहले मैं आपको ये और बताना चाहूँगी, मैं आपके साथ स्मार्ट किचन अप्लायंसेज या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स तो शेयर करने ही वाली हूँ। ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्मार्ट शॉपिंग ट्रिक विद ऑल ऑफ यू, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। अब ये तो आप मानोगे ही कि आजकल का जो वक्त है ना, हम सभी लोग फिजिकल शॉपिंग के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के अपने बहुत से फायदे हैं। आप एट द कंफर्ट ऑफ योर ओन हाउस चीजें घर पर डिलीवर करा सकते हो, चाहे वो फैशन हो, ब्यूटी हो, स्किन केयर हो, फूड हो, मेडिसिन हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ आजकल आप घर पे ऑर्डर कर सकते हो। और हम लोग ज़्यादातर कहाँ से शॉपिंग करते हैं? मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल। मैं खुद भी इन्हीं वेबसाइट से सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ स्मार्ट प्रोडक्ट्स के साथ साथ मेरा एक स्मार्ट ट्रिक भी शेयर करूँगी, जिससे यू कैन अर्न रियल कैश बैक। और ये जो अमाउंट है ना, ये सिर्फ फिगर नहीं है, दिस इज़ रियल कैश जो आपके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड अबव ऑल, यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी यू नो डिफरेंट अकाउंट। जो भी आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट है, आपके मिंत्रा, आजियो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आप उसी से ही ये ट्रिक आजमा कर शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ वो प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स में टॉप पर आता है ये हैंडी चॉपर। ये एक बहुत छोटा सा मैनुअल चॉपर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है किचन में। प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है और ये आपके किचन में होना मस्ट है। सब्जी बनाने के लिए जितना प्याज, टमाटर वगैरह चाहिए, वो आप आसानी से इसमें चॉप कर सकते हो। ये देख रहे हो इसका पुली, आप 4-5 बार इसको पुल करेंगे तो जो प्याज वगैरह है वो फटाफट से बारीक कट भी जाएगी, जबकि नाइफ से कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क लग जाता है काटने में, ऑल्सो कट जाने का भी खतरा रहता है। तो दिस स्मार्ट हैंडी चॉपर आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बड़ी काम की चीज़ है, और वो है मेरा ये पीलर। पीलर आई टेल यू, मैंने बहुत सारे इस्तेमाल किए हैं, सस्ते, महंगे, बट ये वाला जो पीलर है ना, ऐसा मज़ा मुझे किसी पीलर में नहीं आया। ये है आइकिया का पीलर, पीलर में पीलर, आइकिया का पीलर आई टेल यू। और ये थोड़ा सा बाकी पीलर के यू नो मुकाबले में थोड़ा महंगा तो है,
लेकिन इसकी क्वालिटी जब आप देखोगे ना, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे द मनी यू पेड कि हाउ स्मूथ इट इज़। तो ये पिलर आपके पास होना ही चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये चीज़ें कोई बार बार तो खरीदी नहीं जाती हैं, ना ही ये रोज़ रोज़ ख़राब होती हैं। तो ये पिलर अगर आपके पास नहीं है, डू कंसिडर बाइंग इट। और एक और ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये है मेरे फेवरेट सिलिकॉन स्पैचुलाज। सिलिकॉन स्पैचुलाज ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि इनकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपके जो बर्तन है ना, उस पर किसी भी तरह का स्क्रैच ही नहीं डालते। नॉनस्टिक बर्तनों में आप इन्हें बिल्कुल आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। घर में दो ज़रूर रखिए, एक मीठा कुछ भी बनाने के लिए, एक सेवरी कुछ भी बनाने के लिए। और इससे चलाना, स्क्रेप करना सब बहुत आसान हो जाता है, आपके नॉनस्टिक बर्तनों की लाइफ बढ़ जाती है। तो सिलिकॉन स्पैचुलाज आर अ मस्ट हैव फॉर मी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर कर देती हूँ जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रही थी, और ये है कैश करो। मैं बात कर रही थी कैश करो की आप यूजुअली ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हो तो आपको उसी पोर्टल से उसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। जस्ट अ लिटल ट्विक है, आपको ऑर्डर करना है थ्रू कैश करो एंड यू विल अर्न रियल कैश बैक। और कैश करो को इस्तेमाल करना इज सुपर कन्वीनियंट, जस्ट टू स्टेप्स एंड यू आर डन। कैश करो ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 25 रुपीज़ का इंस्टेंट कैश बैक। आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे लिंक से अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं दैट्स ओके। वैसे भी ये लिंक से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए है। बट अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट टाइप कैश करो इन प्ले स्टोर और आपको कैश करो दिख जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। और जिस तरह नॉर्मली आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो उसी तरह आप कैश करो को भी इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज नीलम 25, इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा 25 रुपीज़ का बोनस इंस्टेंटली। और इसके बाद आपको करना है साइन अप। एक बार आप साइन अप कर लेते हैं तो आपके फेवरेट वेबसाइट पे टैप कीजिए या तो फिर सर्च कर लीजिए आपका फेवरेट वेबसाइट जहां से आप शॉपिंग करना चाहते हो एंड देन प्रेस द ऑरेंज बटन। और इसके बाद आप नॉर्मली जिस तरह शॉपिंग करते हैं ना उसी तरह आप इन वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स के लिए एंड ऑन कैशबैक। और वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट्स भी आप खरीद सकते हैं थ्रू कैश करो। बस आपको कैश करो डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, उसके बाद वापस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और प्रोडक्ट लिंक के ऊपर टैप करना है। जस्ट टैप ऑन द ऑरेंज बटन और इसके बाद कैश करो आपको सीधे ले जाएगा उसी आइटम पर ऑन अमेज़न वेबसाइट। और एक बार आप यहां पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह आप अमेज़न से ऑर्डर करते हो उसी तरह से प्रोडक्ट को आपके कार्ट में ऐड कर दीजिए और कोई भी आपका कूपन कोड वगैरह है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर आप कैश करो के वेबसाइट पे माय अर्निंग पोर्शन में आपका जो भी कैशबैक आपने अर्न किया है वो देख सकते हैं। माय अर्निंग सेक्शन में कैशबैक ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होने लगता है, बट ये आपको शुरू शुरू में नजर आता है पेंडिंग स्टेटस में। अगर कुछ दिनों के अंदर आप प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कराते हो या ट्रांजेक्शन को कैंसिल नहीं कराते हो तो ये जो पेंडिंग स्टेटस आप देख रहे हो ना, इट विल बी टर्न इन टू कन्फर्म्ड। और जैसे ही अमाउंट हो जाता है ₹250 आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो आपके बैंक अकाउंट में, या फिर आप चाहें तो इसको अमेज़न वाउचर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हो। कैश करो पर लिस्टेड है 1500 ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आप इनमें से चुन सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट, और वो है ये जाली। ये बहुत ही टाइटली निट मैश काइंड ऑफ ये जाली है और इसके ऊपर चीज़ें गिरती नहीं है, बहुत अच्छे से स्टर्डी ये बैठ जाता है एंड यू कैन रोस्ट योर छोटे से छोटा गार्लिक, एक हरी मिर्ची, मतलब कम से कम क्वांटिटी भी आप इसके ऊपर रोस्ट कर सकते हो। आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। इसके बाद द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस। ये बेसिकली टॉवल हैंगर है, मेरे अपने टॉवल में। आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे टॉवल इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ मेरे किचन में, पोछने के लिए, हाथ पोछने के लिए, बर्तन पोछने के लिए। एक टाइम पे 3 से 4 टॉवल मेरे किचन में होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का यू नो टॉवल होल्डर है तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकता है। और इसके लिए आपको कोई अलग से ड्रिलिंग ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपके जो किचन के ड्रॉर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ये अटक जाता है। और इसके बाद एक और बहुत ही पर्पसफुल थिंग है, वो है ये। आप में से उन सभी लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनके किचन मेरे जैसे छोटे हैं या शायद मुझसे भी छोटे किचन आपके पास हो सकते हैं, तो यूजुअली क्या होता है हम लोगों को ना हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का हेडेक लगा रहता है बिकॉज स्पेस क्रंच बहुत है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको काउंटर टॉप पे चाहिए वो वहीं कन्वीनियंट रहती हैं। तो उस केस में इस तरह के रैक बहुत ज़्यादा पर्पसफुल हो सकते हैं। तो आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट, हेंस आई ऑर्डर्ड इट। आपके
आपके किचन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक तवा। आपको जितनी ज़रूरत एक नॉनस्टिक, एक अच्छे नॉनस्टिक तवा की है ना, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत आपको एक अच्छे आयरन तवा की भी होती है। आप नॉनस्टिक तवे पे बना के देखिए आपका पराठा या डोसा, वो मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा एक अच्छे कास्ट आयरन तवा के ऊपर उसको बनाने में आता है। ये कास्ट आयरन का तवा भी मैंने लेटली परचेज़ किया है, दिस इज़ माई फ्रेश परचेज़, और इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, ये प्री सीज़न तवा आया है। तो बस ये तो थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो किचन में आपका काम आसान कर सकते हैं, आपका समय बचा सकते हैं। और ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे अमेज़ॉन से एंड थ्रू कैश करो। कैश करो इज़ ऑल इन वन ऐप, आप हर चीज़ ऑलमोस्ट, एज आई टोल्ड यू 1500 वेबसाइट्स आर लिस्टेड विद कैश करो, आप ऑलमोस्ट हर चीज़ खरीद सकते हैं एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम एंड गेट देम डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, शॉपिंग करने के लिए आपको मिलता है फ्री मनी भी, फ्री कैश बैक भी। आई थिंक लाइक अ स्मार्ट शॉपर आपको भी इसका इस्तेमाल एटलीस्ट एक बार करके देखना चाहिए। हर चीज़ के लिए कभी ना कभी पहली बार होता है, तो एक बार ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। और ये एक पैन मैंने ले लिया है और इसके अंदर डाला है बेसन। मैंने पहले है ना 1 कप बेसन डाला था। ये मैं बेसिकली बना रही हूँ 7 कप बर्फी, इसमें 7 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और 1-1 कप जाते हैं। फिर बाद में मैंने देखा मेरे पास घी तो कम है, ये टोटल घी था जो मेरे पास था, तो मैंने बेसन में से 2-3 चम्मच बेसन निकाल लिया है। और बेसन के अंदर अभी मैंने, यानी कि अभी जो जितना क्वान्टिटी बेसन का है उतना ही अभी घी है, इसमें सारे ही क्वान्टिटी ऑलमोस्ट बराबर जाते हैं। तो सेम अमाउंट में बेसन डालकर उसमें सेम अमाउंट देसी घी डाल दिया है। देन इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। इसको लाल लाल नहीं भूनना है, थोड़ा येलो ही रहना चाहिए, बट इसकी खुशबू आनी चाहिए, थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए। तब तक इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आप देखिए अभी जो बेसन का कलर है वो कितना लाइट हो गया है, काफ़ी फ्रथी भी लग रहा है। अब इसमें उतना ही अमाउंट डाल देंगे पिसा हुआ बादाम। ये सिंपल जो बादाम होते हैं उसको ऐसे ही मैंने मिक्सी में डाल के क्रश कर लिया था, और उतना ही डाल रहे हैं इसके अंदर कोकोनट। बादाम को आपको रोस्ट वोस्ट नहीं करना है। तो अभी तक हमने इक्वल क्वान्टिटीज़ में डाला है घी, बेसन, बादाम और कोकोनट। अब ये सारी चीज़ों को मिला के भूनेंगे कुछ 1 सेकेंड्स के लिए। आपको तुरंत ही कोकोनट की स्मेल आने लगेगी, और तब इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। बट मैं यहाँ पे सानवी खुशी के लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है हॉट चॉकलेट, तो आप देख सकते हो मैंने बर्नर अभी के लिए बंद कर दिया है। मैं सानवी खुशी के लिए हॉट चॉकलेट एक बार सर्व कर लूँ, उसके बाद मैं बर्नर ऑन करके उसे पकाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से ये पक जाएगा, जल ना जाए, इसके लिए मैंने प्रेफरेबली गैस कर दिया है ऑफ। और ये मार्शमेलोज़ बहुत पहले शर्मा जी उन लोगों के लिए लाए थे, बट दे वॉन्टेड कि मम्मा हॉट चॉकलेट बनाओगी, वी वॉन्ट मार्शमेलोज़ विद दैट। तो उन्होंने इतने टाइम से पेशेंस के साथ ये सेव करके रखे हुए थे, एंड आई थॉट यार बना देती हूँ, बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। उन दोनों को दे दिया उनका हॉट चॉकलेट। यहाँ वापस मैंने गैस ऑन किया है, कोकोनट की स्मेल आने लगी, तुरंत ही मैंने इसमें डाल दिया है 2 कप्स चीनी। 2 कप्स मैंने नहीं डाले हैं, मैं जो मेजरमेंट लेकर चल रही हूँ वो 2 टाइम्स मैंने डाला है। तो ये 7 कप है ना, इसमें हर चीज़ 1-1 कप के हिसाब से जाती है, बस चीनी उतना ही क्वान्टिटी 2x जाती है। और इसके बाद मैंने सेम क्वान्टिटी डाल दिया है यहाँ पर मिल्क। इसके बाद इसको मिलाना शुरू कीजिए। मैं इनिशियली चाह रही थी 1 कप से मैं ये बनाऊंगी, सो दैट आपको समझने के लिए आसान रहे और मेरे को भी अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाएगी। बट देन घी थोड़ा कम था, तो मैं सारी चीज़ें उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। और ये जो मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अब इसको आपको कुक करना है फुल फ्लेम पर, और इसको कुक करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमने ऊपर से दूध डाला है। आपको ध्यान ये देना है कि ये है ना थोड़ा सा इसमें से जो आपका घी है ना वो ऊज आउट होने लगे और ये सारा सारा मिश्रण इकट्ठा होने लगे। तब तक इसको पकाएं, जैसा ही ये स्टेज अचीव हो जाए जैसा कि अभी दिख रहा है, गैस कर दीजिए बंद और इसको सेट करने की तैयारी शुरू करेंगे। अब इसको सेट करने के लिए आप प्री ग्रीस थाली के ऊपर इसको फैला सकते हो, बट मैं है ना पार्चमेंट पेपर लगाना पसंद करती हूँ, इससे इसको काटना, लिफ्ट करना, सेट करना सब बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने एक बेकिंग ट्रे में डाल दिया है पार्चमेंट पेपर, और इसके ऊपर ये सारा का सारा मिश्रण डालकर फैला देंगे। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हुए इवन आउट कर लीजिए, थोड़ा सा टैप कर लीजिए। अभी तो ये थोड़ा गर्म है ना, ये शेप ले लेगा आसानी से, तो थोड़ा इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए, और इसके बाद आप इसको है ना सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। ये रूम टेम्परेचर में ही अराउंड 2 आवर्स में अच्छा सेट हो जाता है। गार्निश मैंने सिल्वर फॉइल से कर लिया है, आप चाहे तो थोड़े नट्स के साथ गार्निश कर सकते हो।
और मैं है ना बस बर्फी अभी जमाने के लिए रख के आई हूँ, उसको थोड़ा वक्त लगेगा जमने के लिए, जब वो एक बार सेट हो जाएगी तो फिर मैं उसको काट दूँगी। और बर्फी एकदम ही इजी वाली है, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आम तौर पे हमारे घर में हमेशा ही मौजूद रहते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। 7 कप बर्फी बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं 7 कप केक भी बोलते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं बेसन कोकोनट का बर्फी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप वो मुझे बता सकते हैं, और अगर ये रेसिपी आपके लिए नई है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आज हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ क्या बोलेंगे हवाएं चल रही थी, और एक वक्त के बाद तो एकदम आंधी जैसा हो गया, धूल भरी हवाएं चल रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही चली जाती है ऐसे केसेस में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर भी हम लोग पूरी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे, खिड़कियां खोले तो फिर वो धूल वाली हवा अंदर आ रही थी। ये जो साइक्लोन है ना, पता नहीं क्या नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने सुबह पढ़ा था लेकिन मैं फिर भूल गई, गेको को कुछ कहते हैं म्यांमार की लैंग्वेज में, वो है इसका नाम, बिकॉज़ इट लुक्स लाइक अ छिपकली ओनली। और ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे आया हुआ है, तो अभी तो वहाँ केरला साइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, और आज ये गोवा भी हिट कर गया, बहुत ज़्यादा पानी वानी भरा हुआ था। लाइक ऐसा होता है कि यार एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही हैं, भगवान जी बस बस होना चाहिए अब, और नहीं अब लगता है कि कैपेसिटी है, सुनकर भी डर लग जाता है। तो बस अभी तो मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगी, मुझे वापस पसीने आ रहे हैं। ये जो मौसम होता है ना, जब मतलब मानसून प्री मानसून बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब तक 2-4 बारिश ना हो जाए ना अच्छी तरह, तब तक ठंडी नहीं होती, ज़्यादा ही वो ह्यूमिडिटी की वजह से एकदम बुरा हालत हो जाती है, थोड़ा भी अगर हवा नहीं लग रही है तो पसीने पसीने हो जाएंगे आपको। इनफैक्ट शावर लेकर आओ ना, बाथरूम से आकर आप जब तक तैयार होंगे ना, और आपने फ़ैन नहीं ऑन किया है तो आपको तब भी पसीने आ जाएंगे। तो अभी जब बर्फ़ी मेरा तैयार हो जाएगा तो वो काट कर मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है कैश करो डाउनलोड करने का लिंक, चेक जरूर कीजिएगा फिर इंटरेस्टेड, एंड प्रोडक्ट्स जो दिखाए थे उनके लिंक्स भी वही हैं, आप चेक कर सकते हो। और अभी देखिए 7 कप बर्फ़ी जो है ये सेट हो चुका है। अभी जो इसके साइड्स हैं जहाँ पे पेपर नहीं है वहाँ पे एक बार मैं नाइफ रन कर लूँगी, सो दैट अगर ये थोड़ा बहुत चिपका हुआ भी है, क्योंकि इसके अंदर बेसन है ना तो चिपक सकता है ज़रा सा, तो थोड़ा सा एक बार नाइफ रन कर लेने से यू कुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये वहाँ से हट चुका है। बाकी फिर पेपर को लिफ्ट कर लीजिए, ये आराम से निकल आता है। अब इसमें से आप जैसे चाहें वैसे पीसेस काट लीजिए, छोटे बड़े, स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स या फिर डायमंड। और ये हो चुका है बर्फ़ी तैयार, बहुत सुंदर बहुत टेस्टी बर्फ़ी होता है और बहुत आसानी से बन जाती है। हमारे घर में थोड़ा मीठा खाने का शौक़ रखते हैं सभी, एटलीस्ट खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा मन होता ही है, इसलिए मैं छोटा मोटा एवरी नाउ एंड देन बनाती रहती हूँ। ये रेसिपी आप ट्राई करना, झटपट बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी लगती है। क्या चीज है? मुझे और कुछ मिला नहीं तो बीच उसके बिल्कुल बीच बिल्कुल सेंटर बीच का वाला पार्टीशन है नहीं। नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग? मैं खुशी के, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी थी तो फिर मैं खुशी के ऊपर वो ट्राई कर रही हूं, मैं उसके कैटियर्स बनाने की कोशिश कर रही हूं। जब बन जाएगा तो आई विल सी। और ये अपने डॉल के साथ क्या कर रही है? और आज डिनर टाइम पे ऐसा सीन हुआ कि मेरे को बिल्कुल कुछ मन नहीं था खाने का, तो मैंने फिर सभी को पूछा, खाने का मन ऐसा बहुत नहीं था, बट फिर आई थॉट कि ये मम्मी पापा के लिए दलिया कर देते हैं, दे लव दलिया बाय द वे, तो ये मम्मी पापा के लिए बन रहा है दलिया। ये मम्मी ने ही छौंका है, उनको एकदम ही सिंपल वर्जन चाहिए, वो मुझे सिखा भी रहे थे कि एकदम सिंपल वाला दलिया वो कैसे बनाते हैं। और ये है पास्ता सानवी खुशी के लिए, उनको दलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये मैंने उनके लिए पास्ता चढ़ा दिया है। और ये रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं शेयर किया है। मैं जा रहा हूँ इधर किचन की तरफ, और ये देखिए क्या हो रहा है।
ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम वाई वाई बना रहे हैं। तुम वाई वाई बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो तुम ये? मम्मी पापा के लिए। हाँ, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी भूख लगी हुई थी और मम्मी वांटेड टू कुक समथिंग, बट बच्चों ने बोला कि नहीं यार मम्मी प्लीज हमको बनाने दो, हम बनाएंगे। क्या हमने अच्छा किया?